यूं ही। एक बार मेरी सेटिंग हो गई ना, उसके बाद तुम्हारा भाई भी अमेरिकी सिटीजन बन जाएगा। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम अकेली बाहर नहीं जा सकती। बीवी नहीं, किम के बाप की वजह से मेरी बहन की जान चली गई। चार्ज तो वही करेगा ना जिसके साथ आप बैठेंगी। ओके। अल्लाह जाने बच्ची कहाँ चली गई है। या अल्लाह खैर। ओ भाई साहब, क्या मसला है? बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। यो बे, बहन लगती है तेरी। तेरी जो भी लगती है, निकलो यहाँ से वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। चल चल। क्यों मारा तुमने उसे? मारा नहीं, अभी मार सकता था। और इसी तरह घर चलो, ना जानती हो ना समझती हो, बस मुंह उठा के किसी लोफर के साथ बाइक पे बैठने लगी हो। तुम जानती हो अगर मैं वक्त पे ना आता तो क्या क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? हाँ कर रहा था। सीधी तरह घर चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या हुआ दानी, कुछ पता चला? दाएं बाएं सब जगह देखा मगर कुछ पता नहीं चला। तो परेशान ही हो गया हूँ, लड़की बता के ही चली जाती। नवीद प्लीज हौसला करो। बाबूजी आप ही बताए ना इसको। मस्जिद में ऐलान करवाओ। अब्बा जी वो छोटी सी बच्ची नहीं है, जवान लड़की है। जवान लड़की की सही तरबियत की होती तो वो यूं बगैर बताए घर से बाहर ना चली जाती। उसे समझा के आना चाहिए था बेटा कि ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। ताया जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसे क्या समझा के आता? ये कि पाकिस्तान में लड़की अनसेफ है और वो रोड पे नहीं घूम सकती, कहीं बाहर नहीं जा सकती। ये अमेरिका की पढ़ी हुई लड़की आपके खाले में जहाज में आ जाती, ये तो जहाज में ना चढ़ती और यहां कभी ना आती। मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद बात कर सकती हूँ, जा सकती हूँ, क्या इश्यू क्या है? डेविड मेरा कहाँ थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो गया डैड? मैं आज अगर इसके पीछे ना जाता तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। एक्सक्यूज मी, मैं इस खानदान की इज्जत नहीं हूँ। भाई हुआ क्या है? किसी अनजान लड़के की बाइक पे बैठ के जाने वाली थी वो। तो मैं वो तो मैं क्या, मैं किसी नॉन के साथ बैठूं या नॉन के साथ, तुम कौन होते मुझे फॉलो करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले? भलाई का तो जमाना ही नहीं है, कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। दाऊद ने तुम्हें बचाया है। इकबाल मैं खुद को प्रोटेक्ट करना जानती हूँ, आई एम अ ब्लैक बेल्ट। बेटे फिर भी बता के जाना चाहिए था, हमारे यहाँ लड़कियां बगैर बताए यूं ही घर से बाहर नहीं जाती। ओके आई एम सॉरी, मैं आइंदा कभी भी बाहर जाऊंगी तो बता कर जाऊंगी ताकि मुझे कोई भी फॉलो या प्रोटेक्ट ना करे। बाय द वे डैड, हम यहाँ से कब जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों जाने की जरूरत नहीं है? और हम यहाँ पर क्यों रहे हैं जब मुझे मेरे डैड को कोई पसंद ही नहीं करता? अरे हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम खामोश रहो नवीद भाई, अगर आप चले गए ना तो हम समझेंगे कि आप नाराज हो गए। ऑब्वियसली ये सच है। भाभी बेहतर यही कि हम चले जाएं। इस भी हमारी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है और किसी होटल में रह जाएंगे। नहीं 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 नहीं, यहां से कोई नहीं जाएगा,
जितने दिनों के लिए आए हो यहाँ टिक के रहोगे। ताया जी, लेकिन किम यही चाहती है कि बेटी की बात का ख्याल है, ताया के हुक्म का कोई लिहाज नहीं। और ये किम क्या है भाई, कोई मुसलमानों वाला नाम रखते तो अच्छा था, मुझे किम समझ में नहीं आया। ताय जी, इसे अमेरिका में किम कहते हैं, इसका नाम कनीज फातिमा है। मेरा नाम किम है बेटा, प्लीज। भाई माशाल्लाह इतना खूबसूरत नाम है, उसे क्यों बिगाड़ा है तुम लोगों ने। भाई मैं तो आज के बाद इसे कनीज फातिमा ही कहूंगा। डैड, और देखो बेटा कनीज फातिमा, तुम्हें कहीं भी जाना हो मुझसे कहो, बिशारत अंकल से कहो, दानी से कहो, दाऊद से कहो, हम तुम्हें शहर ले जाएंगे, हम तुम्हें घुमाएंगे। क्यों अपने तौर पे नहीं जाते बेटा कहीं? What? ये क्या कह रहे हैं डैड? सही तो कह रहे हैं वो। हाँ, अगर तुम्हें घुमाने लेके जाना है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्यों दादाजी? ठीक है, मुझे अपने काम करने की खुद आदत है, मुझे जहां जाना है और जिसके साथ जाना है I'll decide it myself। नवीद, जिद्दी बच्ची है तुम्हारी, इसलिए यहां से जाने पर बिल्कुल इसरार मत करना। देखो अगर होटल से निकल गई कहीं बगैर बताए तो मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Listen, I'm talking to you. It's all right. बहुत बहादुर हो ना, और बहुत ख्याल है अपने मेहमान का, इज्जत का, लोगों का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कल तुम मुझे बाहर लेके जाओगे क्या? हाँ, कल तुम मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने का, फॉलो करने का, करो अपना शौक पूरा। ना ही मुझे कोई शौक है और ना ही मेरे पास फालतू वक्त है कि तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाऊं। जाऊंगी तो मैं ही तुम्हारे साथ। जबरदस्ती क्या? हाँ जबरदस्ती समझ लो, अगर तुम लेकर नहीं जाओगे तो फिर मैं अकेली चली जाऊंगी, बल्कि उस लड़के के साथ जाऊंगी जिसको तुमने मारा था। He was a nice guy, caring, helpful। जो जी में आए करो। जो जी में आए करूं। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारी इज्जत, इस खानदान की इज्जत, उसका क्या होगा? You don't care about it anymore। जब तुम्हें फिक्र नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओगे तो तुम ही मेरे साथ। गुलाम नहीं तुम्हारा, पाकिस्तानी तो हूँ। See you tomorrow। बड़ी दलील लड़की है, दिल चाह मुंह उठा के बाहर चली गई, ना किसी से पूछा ना कुछ। बदतमीज, मैं ऐसी कोई हरकत करती
तो थप्पड़ों और लातों की बरसात हो जाती। नवीद अंकल ने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं। तुम ऐसी हरकत क्यों करती? दिमाग दुरुस्त है ना? शरीफ खानदान की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। छोड़े पप्पो, खानदान तो उसका भी वही है जो हमारा। बड़ी जुबान नहीं चल रही तुम्हारी। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, इम्तिहान आने वाले हैं आपके। मेरी बात किसी को पसंद ही नहीं है। दाऊद ने बचाया आज, वरना इस लड़की का तो कुछ पता नहीं है आगे क्या कर बैठे। पप्पो वो लोग यहाँ घूमने आए हैं, अब अगर हम लोग उन्हें घुमाने नहीं लेकर जाएंगे तो किम बेचारी तो ये हरकत करेगी ना। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ही ले जाऊं, वैसे भी कम जगह तो नहीं इस शहर में देखने को। अच्छा, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम्हें बार बार याद क्यों करवाना पड़ता है कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं? तुम ना पढ़ाई पे ध्यान दो। इम्तिहान तो तुम्हारे भी हैं, पढ़ाई तो तुम्हारी भी है, बस ऐसे ही मौकों पे मेरी पढ़ाई ज्यादा अहम हो जाती है ना। बहस मत करो ज्यादा। एक तो इस घर में छोटा होना आजाद है, ऊपर से लड़की। और वैसे तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हारे साथ जाएगी? मुझे नहीं लगता वो अपनी इंसल्ट भूली होगी जो उस दिन तुमने की थी उर्दू में, कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब तुम ना, हाँ मैं, एक दिन तुम्हारी शामत आएगी। देखते हैं। है तो मजे की लड़की। ऐसे ही कहा था। क्या सोच रहे हैं किम के बारे में? जिया बेगम बचत हो गई आज। जो मैंने कहा है अगर वैसा हो जाए ना तो और भी बचत हो जाएगी। इकबाल बहुत समझदार लड़की है, वो किम को तमीज भी सिखा देगी और तहजीब भी, और नवीद भाई का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बड़ी उलझन में फंस गया। आप अकेले क्यों उलझते हैं? अब्बा जी को साथ में ला लेना, खानदान की सारी उलझी डोरें वही तो सुलझाते हैं। बात करें आप उनसे। हाय। हेलो। कैसी हो? गुड गुड गुड। मैंने ना आज यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? वो तुम घूमना चाहती थी ना, शहर देखना चाहती थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें शहर दिखाऊं। एनी स्पेशल रीजन? मैंने तुम्हें छिपकली बोला, ना जाने क्या क्या, इसलिए। तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारी बात का मैं माइंड करूं। आप नाराज हो? नहीं,
तो फिर चलें? मैं डेविड के साथ जाऊंगी। दाऊद भाई के साथ? हाँ, कहाँ है वो? दाऊद भाई ने तुम्हें बोला कि वो तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगे। मैंने कहा कि मैं उसके साथ जाऊंगी। लेकिन दाऊद भाई अस्पताल जा चुके हैं। अच्छा, तो क्या सोचा? Let me think. मैं तुम्हारा वेट करता हूं। Idiot. मुझसे भागकर हॉस्पिटल चला गया। इकबाल, ये पराठे मेज पर रखो, मैं जरा चाय को देख लूं। मैं दानियाल से कह देती हूँ। वो तो पड़ा सो रहा होगा या यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहा होगा। जाओ, शाबाश। भाभी, क्या हुआ इकबाल? वो अब्बा जी के पास नवीद भाई बैठे होंगे, मैंने नहीं उनसे मिलना। सह लगते हैं मुझे वो। बस कर दो इकबाल, खत्म करो ये नफरत। चलो जाओ, शाबाश जाओ ना, ठंडे हो रहे हैं। जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गरम पराठे। शुक्रिया। बाकी सब नहीं आ रहे नाश्ते पे? नहीं, अब्बा आ रहे हैं और बशारत भाई और दाऊद तो काम पे चले गए। Hi Dad. Hello, good morning. Good morning. Hi Iqbal. क्या हो रहा है? तुम भी बैठो ना। इकबाल, डैड को बताओ कि तुम इनसे नफरत क्यों करती हो। नफरत? मैंने तो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने मुझे खुद बताया कि तुम डैड से नफरत करती हो। डैडा पूछे इकबाल से। बेटा, वो मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझसे अपसेट है, और वो मुझे माफ कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ सब लोग कितने अजीब हैं। तुम्हारे अब्बा भी लोगों का हिस्सा ही हैं। थैंक गॉड मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ। पराठा ले लो। नहीं, मैं ये सब नहीं खा सकती, मेरा पेट खराब हो जाएगा। मुझे भी बाहर जाना है कुछ चीजें लेने के लिए। तुम अकेली कहीं नहीं जा रही हो, समझी? I know, Dad, मैं अगर अकेली जाऊंगी तो यहाँ सब नाराज हो जाएंगे, right? मैं दानियाल के साथ जा रही हूँ। पैसे हैं? डॉलर्स हैं। उसको बोलो चेंज करा ले रस्ते में। ओके। इकबाल चाय बहुत अच्छी बनाती है। पराठे भी अच्छी बनाती है, ट्राई करके देखो तुम। नहीं यार, मैं आज नहीं आ सकता, तुम संभाल लेना और दुआ करना तुम्हारे भाई का सीन बन जाए। हाँ दानिया, अगर बिजी नहीं तो बाहर जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं, आओ। नानी, मुझे कॉलेज छोड़ दो। हाय, कैसी हो? अंकल, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हम कहीं जा रहे हैं। तुम वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका, रिफत, उसे बोलो ना तुम्हें ले जाए। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे आ चुकी है कॉलेज। हम लेट हो जाएंगे, हमें तंग मत करो, चलो। किन? हम लेट नहीं हो रहे, तुम पहले सुरैये को कॉलेज ड्रॉप करो, उसका जाना वहां जरूरी है। तुम और मैं फिर चले जाएंगे बाद में, ठीक है? बाय द वे, हम लोग उस दिन क्यों नहीं जा सकते जिस दिन सुरैया को ऑफ है? We'll have fun together. हाँ, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सुरैया के एग्जाम्स हो रहे हैं, सुरैया के पास सैर तफरी करने का टाइम नहीं है। चलो जल्दी से तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। और बुर्का तो सही से पहनो, ड्राइवर बनाया हुआ। कॉलेज छोड़ दो, पिक कर लो, कॉलेज छोड़ दो। तुमको ड्राइवर बनने में कुछ नहीं आता।
का काम करते हुए जान जाती है ना। चलो राय जी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन गांव हुआ हूं। गांव? गांव क्या लेने जा रहे हो? मैं अम्मा अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ना चाह रहा था और जमीन भी वहां पड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ शायद उसे बेच दूं। ताल्लुक तो तमाम खत्म कर दिए थे तुमने, बाकी बची है जमीन, वो भी बेच दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा? ताई जी, मैं रिश्ते नहीं तोड़ना चाह रहा, ना मैं तोड़ा, वो जमीन पड़ी भी है, रख के भी मैं क्या करूंगा? रख के भी क्या करूंगा? मेरी बेटी खुर्शीद की तरह जमीन का भी इंतकाल हो जाएगा तो जान छूट जाएगी तुम्हारी। नवीद भाई, अब्बा जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका बहुत दिल दुखाया है, जो वो मुझे कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं, मैं उनकी किसी भी बात को माइंड नहीं करता। अरे आप चाय पिए ना, नाश्ता तो किया ही नहीं आपने। ये पराठे देखिए भलो वाले, इकबाल ने खास आपके लिए बनाए, बहुत ही सुगढ़ और सलीके वाली है। इकबाल, आपकी अम्मी चची मरुमा बहुत प्यार करती थी इकबाल से, आपको याद है? जी। आप उसे कह दें कि मुझे ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करने की आदत है और इतना हैवी ब्रेकफास्ट ना बनाया करें। चलता हूं, शुक्रिया। दानियाल के साथ नहीं गई? नहीं डैड, वो सूर्य को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए गया। अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं दो तीनों के लिए गांव जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ काम है वो खत्म कर ही आऊं। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम गांव में क्या रहोगी? और दूसरी बात, मुझे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। आपको कभी अमेरिका में मेरी तरफ से कंप्लेन मिली है? बेटा ये अमेरिका नहीं, पाकिस्तान है, मैं पता है यहाँ लोगों के वैल्यूज डिफरेंट है। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, डोंट वरी। तुम बड़ों की इजाजत के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं करोगी, समझी? डैड अगर ये मेरी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं उनके ओपिनियन की करूंगी। किन तुम्हें पता है यहाँ के तौर तरीके डिफरेंट है, प्लीज, यहाँ छोटे अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बात नहीं सुनी जाती, लड़कियां ही है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं बेटा, मैं चाहता हूँ खुशी से गुजारे अपने दिन और चले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। परफेक्ट डैड, आई एम गोना मिस यू डैड। मुझे फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है। ओके, अरे वो जूते तो मैं डालना भूल गया, ले आओ। जॉर्ज तो सो रहा होगा इस टाइम।
जौहरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात मिस्टर डेविड हैज अ गर्लफ्रेंड। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ऐसे हुलिये के लोगों की तो 3-4 बीवी होती है। गर्लफ्रेंड नो, मेबी चले। तुम्हें मेरे साथ कोई इश्यू तो नहीं होगा? इश्यू क्या मतलब? आई मीन तुम सुरगिया से कह रहे थे कि दुपट्टा लो, खुद को कवर करो। आर यू श्योर कि तुम इस तरह मुझे साथ ले जाने में कंफर्टेबल हो? तुम्हें सुरैया से कह रहा था, तुमसे मुझे क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुरैया मेरी बहन है, तुम तो मेरी कजन हो ना जो अमेरिका से आई है। बहन के लिए रूल्स डिफरेंट है और कजन के लिए डिफरेंट क्योंकि वो अमेरिका से आई है, राइट? बहन पे हुक्म चला सकता हूँ ना मैं तो। क्या सुरैया तुम पर हुक्म चला सकती है? यार तुम सवाल बड़े पूछती हो, हमें देर हो रही है, बैठो बैठो, देर हो रही है। अगर तुम लड़कियों की तरह बैठ जाओ तो। लड़कियां कैसे बैठती हैं? पाकिस्तान में लड़कियां दोनों पैर इस तरफ करके बैठती हैं। हेलो, मैं को तुम्हारी बहन ही जिसे तुम ऑर्डर दे रहे हो। मैं ऐसे बैठूंगी जैसे मैं कंफर्टेबल। चलो बाजी चाय रख दो बेटा। शुक्रिया। ये आज तुम दुकान से जल्दी क्यों आ गए? वो बाबूजी वो गरानी महसूस हो रही, सीना भी जल रहा है, ठीक नहीं है तबीयत, हाजमा भी खराब है। हबा जी मैंने तो कितनी बार कहा है, खैर से अब हमारा बेटा डॉक्टर है, जाके टेस्ट करवा ले, मगर ये मानते ही नहीं है। हाँ तुम तो बड़ा मानती हो, मुट्ठी भर भर के सालन में मिर्चे ठूस देती हो, तो गरानी तो होगी। और वो बच्ची जो अमेरिका से आए हुए अब्बा जी, उसको भी मिर्चों वाला खाना खिला दिया, तबीयत खराब हो गई उसकी। सुन ले अब्बा जी, इस घर में जितनी मुसीबतें और जितनी परेशानियां ना, सब मेरी वजह से हैं। ये खुदा के वास्ते अपने झगड़े लेकर मेरे कमरे में मत आया करें। और बशारत तुम भी बाजार के खाने खाने से परहेज करो। और बीबी जरा तुम भी मिर्चों पे हाथ वाला रखो। मैं ये करी स्वात्मा कहाँ है? वो दानियाल के साथ गई है। दानियाल के साथ कहाँ गई है? दानियाल बता रहा था कि उसने कोई डॉलर शालर तब्दील कराने हैं। तो पैसे दे देती उसे, साथ जाने की जरूरत क्या थी? अब्बा जी हम मना करते हुए तो अच्छे नहीं लगते ना, नवीद भाई उसको नहीं रोकते, हम कैसे रोक सकते हैं? क्यों दाऊद की अब्बा? वो बाबूजी एक मशवरा करना था आपसे। माल निकालो जल्दी, माल निकालो जल्दी। कि चुपचाप इनको सब कुछ दे दो। वैसे क्यों दो अपनी इतनी हार्ड ऑन मनी? वो रकम निकलवा के जल्दी निकालो। किम चुपचाप से इनको सब कुछ दे दो। वो लड़का कह रहा है बीबी वो सुनो, ये गल चलती नहीं है।
जल्दी निकालो। अपनी फेक गन तो ले जाओ। तो किसने सुझाई तुम्हें ये बात? अरे बाबूजी, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। कैसा लगा आपको मेरा ये ख्याल? मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारे दिल और दिमाग में जो सोच और ख्याल आता है उससे अच्छी तरह वाकिफ होता हूं। चलो ठीक है बाजी, किसी ने भी बताई हो लेकिन आपके दिल को लगी ये बात? दिल को ये बात कैसे लगेगी? जो शख्स मेरी एक बेटी की मौत का जिम्मेदार हो, उसे खून की उल्टियां करा दिया उसने, उसी घर में मैं अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता दूं? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? बाबूजी आप वैसे भी नवीद को तो आप माफ कर चुके हैं, इस तरफ हमारी इकबाल का घर बस जाएगा। वो कब से तलाक लेकर बैठी हुई है और नवीद हमारा खून है, आपका भतीजा है, वो बहुत खुश रखेगा उसको। और बाबूजी रही बात खुर्शीद की, तो वो इसमें सिर्फ नवीद का ही कसूर नहीं था बाबूजी। भाई हमारी बहन भी तो उसके काबिल नहीं थी। नवीद आलिम फाजिल डॉक्टर, हमारी खुर्शीद सिर्फ और सिर्फ एफए पास। नवीद और खुर्शीद का कोई जोड़ ही नहीं था। जोड़ तो इकबाल और नवीद का भी नहीं बनता। यकीन जानिए बाबूजी, नवीद के दिल में पछतावा और शर्मिंदगी हुई ना तो इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करेगा। बाबूजी हमारी इकबाल जैसी सुगढ़ और शरीफ लड़की नवीद को पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगी। बाबूजी आप एक बार बात तो करके देखें। सोचने दो, पहले खुद को तो मना लो, फिर नवीद से बात करूंगा। बहुत गलत हरकत की, ऐसे डाकुओं के साथ उलझना बेहद खतरनाक है। कुछ भी हो सकता था। तुम इतने बड़े लूजर हो गए, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जानती नहीं हो ऐसे मौकों पर पैसे दे देना ही अकलमंदी होती है। गोली मार देते हैं। तुमने जो किया वो बहादुरी नहीं बेवकूफी थी। तुम्हारे डैड के पैसे हैं इसलिए तुम्हें कोई इशू नहीं है। हम लोग अमेरिका में बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, ऐसे कैसे जाने देती हूँ उन लोगों को? वैसे मैंने सुना है कि तुम यहाँ के मर्द बहुत ऑनर क्या कहते हैं, गैरत इज्जत ताकत मौत होती है तुम मर्दों के अंदर, कहाँ इस्तेमाल करते हो तुम?
या फिर यहाँ के मर्दों ने औरतों के लिए संभाल के रखी होती हैं चीजें। किम प्लीज, तुम ये किस्सा घर वालों को सुनाना मत शुरू हो जाना, वरना सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वरना वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, बंद होने तुम्हें करना चाहिए। चल लूजर नहीं, अकलमंद हूं मैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है, पाकिस्तान के बारे में इमेज पहले इतना खराब था, डाकुओं ने उसे और बिगाड़ दिया। नवीद अंकल ने सही किया, मुल्क छोड़ दिया, क्या रहने ही नहीं चाहिए। जगह अच्छी और बुरी नहीं होती, लोग होते। अमेरिका में भी बहुत से लोग बुरे और गलत हैं, जो अच्छे हैं वो वाकई में अच्छे हैं। हिपोक्रेट्स नहीं है यहाँ के, अच्छे हैं।